अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए। नए बैचेस जो है स्टार्ट है हर मंडे, आप कंप्लीट करिए यहाँ पे हजारों जो है स्टूडेंट के साथ और स्टैंड आउट कीजिए क्राउड में से। अनअकैडमी पे आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया बेस्ट एजुकेशन है यहाँ पे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेस और पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगा एक ही जगह पे, आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेस और एसओपी और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी सारी चीजें आपको मिलेगी। अनअकैडमी के पास टॉप एजुकेटर्स है उनका, इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट। तो बैचेस जो है आप एक्सेल बैचेस जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप कर सकते हैं। हर मंडे को ये बैचेस स्टार्ट होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे। तो आज ही अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी वहां पे मिलेगा अगर आप जो है अप्लाई करते हैं हमारा रेफरल कोड botany10। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, चूज कीजिए कौन सा आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, 10% का डिस्काउंट उस पे आपको मिलेगा। लास्ट कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं 10% का डिस्काउंट सीएसआईआर यूसी नेट के सब्सक्रिप्शन पे, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी सीएसआईआर यूसी नेट के कोर्सेज को और वहां पे रेफरल कोड यूज कीजिए botany10, जिससे आप इस 10% डिस्काउंट का फायदा उठा पाए। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की अनअकैडमी पे एक्सेल कोर्स चल रहा है सीएसआईआर यूसी नेट के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 15 फरवरी 2021 से। मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए, फिजिकल साइंसेस के लिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स वहां पे रहेंगे जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप क्रैक करना चाहते हैं सीएसआईआर यूजी नेट 2021 को, तो एक्सेल कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका सब्सक्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त वीरे कुमार सिंह। इकोलॉजी के 5 पार्ट जो है हो चुके हैं, जहां पे हमने आपको सॉल्व कराया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए हुए जो क्वेश्चन थे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2008 से लेकर 2020। तो 70 जो क्वेश्चन है हम वो आपको सॉल्व करा चुके हैं, ओके, वो सारे लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल होंगे। और इस वीडियो में हम बात करते हैं पार्ट 6 की, जहाँ पे मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज, जो रेट होती है एनर्जी स्टोरेज की कंज्यूमर लेवल पे, उसे क्या हम बोलते हैं? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आप देखेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, ठीक। वहीं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ध्यान रखिए, जब कंज्यूमर लेवल पे हम बात करते हैं रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज की, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, वो वहां पे ये हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड एट द कंज्यूमर लेवल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल इंक्लूड्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डीकम्पोजर्स। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एज आई हैव सेड टू यू अर्लियर। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 72। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसाइकल्ड इन एनी इकोसिस्टम, इनमें से कौन है जिसका रिसाइकलिंग हमारे इकोसिस्टम में नहीं होता है? ये आपको मिलेगा बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में, उसमें वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे हैं जिनका रिसाइकिल होता है। जैसे वाटर का हुआ, वाटर साइकिल आप पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे एनर्जी साइकिल पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी जो है ये रिसाइकिल नहीं होती है। एनर्जी कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड एंड इज नॉट द रिसाइकिल्ड इन एन इकोसिस्टम, ऑन द कॉन्ट्ररी मैटर्स डज रिसाइकिल इन द बायोस्फीयर। जो वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन है, ये मैटर में आते हैं पर एनर्जी मैटर में नहीं आती है। सो एनर्जी कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन अ हार्मोनियस बैलेंस इन एन इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट अ,
कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का, और वो हार्मोनियस बैलेंस में किसी इकोसिस्टम में रहते हैं, वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर और बायोम। तो इकोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं कम्युनिटी का, आपको अगर डिफिनेशन याद होगा तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम। तो इसका डेफिनेशन कम्युनिटी है, और परफेक्टली जो है आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कम्युनिटी ही सेट होता है। तो हम जाएंगे कम्युनिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मैंने आपसे बोला ये जो क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है, तो ये सब जरूर आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ओके, ये सारी चीजें, और उनका कैसे रिलेशन है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से। तो रिलेशनशिप अगर आप ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच में देखेंगे, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है वो क्या है, टोटल रेट है एट विच मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच मटेरियल इज अकोमोडेटेड इन एक्सेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद, ओके। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से प्रोड्यूसर्स हैं वो जो भी अपना खाना वाना बनाते हैं, तो टोटल रेस्पिरेशन में भी जितना उन्होंने यूटिलाइज किया उसको मिला के सारे को हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन अगर आप जो जैसे आप पौधे अपना खाना बनाते हैं उसके बाद वो रेस्पिरेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद जो उनमें अमाउंट बचता है प्रोडक्शन का उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। तो सही इक्वेशन क्या होगा उसके लिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस प्लांट रेस्पिरेशन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोक्यूरिंग देयर फूड इन अ सेम जनरल वे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज आर सेड टू बिलोंग टू। कह रहा है अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड एक ही तरीके से ऑब्टेन करते हैं इकोसिस्टम में या फूड वेब में, और उनका साइज मैटर नहीं करता है इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, तो वो किस में बिलोंग करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म सेम पिरामिड में बिलोंग करेंगे, डिफरेंट फूड वेब्स में, सेम बायोजियोकेमिकल साइकिल में, या सेम ट्रॉफिक लेवल में। तो आप अगर देखेंगे ट्रॉफिक सिस्टम, मैंने आपको बताया ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 एंड 4, वहां पे आप देखेंगे जो ट्रॉफिक लेवल का स्ट्रक्चर होता है उसका बेसिस ही यही है। तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड एक ही तरीके से ऑप्टेन करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेम ट्रॉफिक लेवल। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोक्यूरिंग देयर फूड इन द सेम जनरल वे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज आर सेड टू बिलोंग टू द सेम ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल, डियर एंड रैबिट बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉफिक लेवल, दैट इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एज बोथ आर हर्बीवोर्स, दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। इट इज मोर एक्यूरेट टू डिफाइन द बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम दैन एज अ ग्लोबल कम्युनिटी बिकॉज द बायोस्फीयर इंक्लूड। कह रहा है कि अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे बायोस्फीयर को एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, ये ज्यादा एक्यूरेट होगा दैन अगर हम इसको बोले कि एक ग्लोबल कम्युनिटी है, क्योंकि बायोस्फीयर इंक्लूड करता है। तो मैंने आपको अभी कम्युनिटी का डिफिनेशन बताया कि जो अगर हम बायोस्फीयर को ग्लोबल कम्युनिटी बोलेंगे तो कम्युनिटी में क्या आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन आते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बायोस्फीयर को हम ग्लोबल इकोसिस्टम अगर बोलते हैं तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि इकोसिस्टम में एबायोटिक और जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनमें दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट बायोस्फीयर इंक्लूड करता है, इसीलिए हम बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम कहें तो ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, ओके। द बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक फैक्टर्स फ्रॉम विच दे डिराइव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अर्थ एनवायरमेंट इंक्लूड्स एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर। एक बार फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 77 अगर आप देखेंगे फिर से पूछा था। एडैफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू, एडैफिक फैक्टर जो है किससे रिलेटेड है, आपके टेम्परेचर, सॉइल, मैन और एनिमल। तो एडैफिक फैक्टर आप हमेशा से याद रखिएगा, इसका रिलेशन किससे है, सॉइल से। द एडैफिक फैक्टर इंक्लूड्स द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल दैट रिजल्ट फ्रॉम बायोलॉजिक एंड जियोलॉजिक फिनोमिना और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हियर, माउंटेन, डिजर्ट, फॉरेस्ट और ओशन। तो आप देखेंगे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम आपका इन ऑप्शंस में से होगा ओशन,
बिकॉज ओशन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इट इज स्टेबल ड्यू टू इट्स नेचुरल लिक्विड नेचर, डिजॉल्व ऑक्सीजन, लाइट एंड टेम्परेचर. अब किसके बेसिस पे हम एक स्टेबल इकोसिस्टम बोलेंगे? एन एनवायरमेंट इज कंसीडर्ड टू बी स्टेबल व्हेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिमेन अनचेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो उसमें ओशन आता है, इसका जो एनवायरमेंट है वो स्टेबल होता है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनचेंज होता है. क्वेश्चन नंबर 79, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स थ्रू. मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किससे होगा इन ऑप्शंस में से? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फंजाई एंड बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट. तो अगर आप देखेंगे हमेशा से बात किया जाता है फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत ज्यादा है, और नंबर ही ज्यादा नहीं है, वो कार्बन फिक्सेशन में भी सबसे टॉप पे आते हैं. तो ऑप्शंस में कौन सा होगा आपका? फाइटोप्लैंक्टन. क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं. आपसे पूछा है यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड. जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पीसीज का, जो अलग अलग लेवल्स बनाते हैं किसी इकोसिस्टम में, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन, फूड चेन, सक्सेशन और ट्रॉफिक लेवल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेटिफिकेशन. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. लाइक इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम यू विल सी दैट ट्री आर प्रेजेंट एट द टॉप लेवल, फॉलोड बाई श्रब्स इन द सेकेंड लेयर एंड देन ग्रासेस एट द बॉटम. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. ओके, और ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे डिजर्ट्स का में सबसे कम, फिर शॉर्ट ग्रासेस प्रेरी, फिर ट्रॉल ग्रासेस प्रेरी, फिर थॉर्न श्रब, फिर थॉर्न फॉरेस्ट, फिर डिसिड्यूस फॉरेस्ट आता है, फिर आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट आता है. उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं. आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है अगर हम उसको ऑर्डर में देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. तो आप देखेंगे सबसे पहले स्पीसीज एक आता है, या स्पीसीज को आप एक इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं. स्पीसीज स्पीसीज मिलके किसी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन. तो स्पीसीज के बाद आता है आपका पॉपुलेशन. पॉपुलेशन पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज का मिलकर बनाता है कम्युनिटी. कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटी कंबाइन टू फॉर्म इकोसिस्टम, एंड डिफरेंट इकोसिस्टम कंबाइन टू फॉर्म बायोम, एंड डिफरेंट बायोम कंबाइन टू फॉर्म बायोस्फीयर. देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, स्पीसीज पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. ओके, यहाँ पर मैंने करेक्ट आंसर नहीं लगाया, पर आप यही देख सकते हैं, स्पीसीज देन पॉपुलेशन देन कम्युनिटी एंड देन इकोसिस्टम. क्वेश्चन नंबर 82, एल्टोनियन पिरामिड दैट कैन नॉट बी इन्वर्टेड आर. देखिए एल्टोनियन, पहली बात तो एल्टोनियन पिरामिड इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसे एल्टोन ने दिया था. जिसमें कह रहा है किस चीज, कौन सा पिरामिड जो होता है कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है? बायोमास, नंबर, एनर्जी, बायोमास एज वेल एज एनर्जी. तो आप देखेंगे अगर पिरामिड्स की बात करते हैं, आपको बायोमास भी पढ़ाया जाता है, नंबर का पिरामिड भी पढ़ाया जाता है, एनर्जी का पिरामिड भी पढ़ाया जाता है. वहां पे आप देखेंगे आइदर बायोमास या नंबर का जो भी होता है उनका पिरामिड किसी इकोसिस्टम में इन्वर्टेड हो सकता है, किसी इकोसिस्टम में ये अपराइड हो सकता है. पर जो एनर्जी का आप पिरामिड देखेंगे वो कभी भी इन्वर्टेड आपको देखने को नहीं मिलेगा. इन्वर्टेड ये आपको इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा ये अपराइड होता है, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है. क्योंकि एनर्जी जब फ्लो होती है तो पहले ट्रॉफिक लेवल पे ये सबसे ज्यादा होती है, और वैसे जब ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे जाती है कम होता जाता है. तो हमेशा से आपको जो पिरामिड मिलेगा ये एज रूल आपको अपराइट पिरामिड ही मिलेगा, कभी आपको इन्वर्टेड पिरामिड नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि ट्रॉफिक वन पे आपको ज्यादा एनर्जी, अरे कम एनर्जी मिले उसके बाद ये बढ़ता जाए. ओके, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं. कीस्टोन स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम आर दोज. कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं किसी इकोसिस्टम में? यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है जो इसको परफेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सके. कीस्टोन स्पीसीज आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, दैट आर मोर फ्रीक्वेंट, विच अटेन्स लार्ज बायोमास, विच कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज. तो कीस्टोन स्पीसीज वो होते हैं जो किसी इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं. कीस्टोन स्पीसीज आर दोज विच हैव एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट. तो यहाँ पे इम्पैक्ट की बात है, यहाँ पे नंबर की बात नहीं है, ना तो फ्रीक्वेंसी की बात है, ना तो बायोमास का बात है.
ठीक, यहाँ पे वो स्पीसीज को हम की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं जो किसी इकोसिस्टम पे हाई इम्पैक्ट डालते हैं ऑन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन। उसका वहाँ पे पॉपुलेशन जो है हम कंसीडर नहीं करते। की स्टोन स्पीसीज आर आल्सो क्रिटिकल फॉर द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड इन्फ्लुएंस विच अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक अप दैट इकोसिस्टम। तो वो पूरे तरीके से इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, और ये भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं जो वहां पे अदर टाइप के प्लांट और एनिमल रहेंगे वो कैसे मेकअप करते हैं उस इकोसिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन रिजल्ट इन नेक्रोसिस और क्लोरोसिस विच इज कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा है अगर आप एक्सपोजर देते हैं हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन का तो वहां पे रिजल्टली आपको क्या देखने को मिलता है, नेक्रोसिस या क्लोरोसिस देखने को मिलता है प्लांट्स में। और ये जो नेक्रोसिस और फ्लोरोसिस हो रहा है आपसे पूछा है प्लांट के किस पार्ट में होता है। फर्स्ट लीफ टिप एंड लीफ मार्जिन, बी स्टेम टिप ओनली, सी पेटियोल बट नॉट लेमिना ऑफ द लीफ, एंड द फोर्थ वन इज ओनली मिडरिप ऑफ लेमिना। तो अलग अलग आपको इकोलॉजी में कुछ मतलब गैसेस वगैरह हैवी मेटल वह हैं उनका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है प्लांट पे, और उनका फीचर होता है प्लांट्स का कि वो कहाँ पे ये जो क्लोरोसिस या नेक्रोसिस या जो भी आपको वहाँ पे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं वो प्लांट के किस पार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे फ्लोराइड का बोला है, तो सिम्टम ऑफ लीफ इंजरी इन प्लांट्स काज बाई फ्लोराइड एटमोस्फेरिक पोल्यूशन इज, आपको यहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, लीफ टिप पे और लीफ मार्जिन पे। जैसा कि ये पिक्चर है ये रिसर्च गेट से मैंने फोटो ये लिया है, ये इसका सोर्स आप देखेंगे ये है लीफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड प्लांट ग्रोथ साइंटिफिक फिगर ऑन रिसर्च गेट। यहाँ पे आप देखेंगे सिम्टम्स ऑफ लीफ इंजरी इन प्लांट्स काज बाई फ्लोराइड एटमोस्फेरिक पोल्यूशन, तो ये आपको रिसर्च गेट पे मिल जाएगा। तो यही है आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे प्लांट्स हैं उनके या तो लीफ टिप पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये लीफ मार्जिन पे आपको ये जो फ्लोराइड का है क्लोरोसिस और नेक्रोसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज बेनिफिटेड वाइल अदर अनअफेक्टेड इज नोन एज। यहाँ पे आपसे रिलेशनशिप पूछा है, बहुत सारे आपने रिलेशनशिप पढ़े होंगे इकोलॉजी में, उनका अलग अलग फीचर होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर एक स्पीसीज बेनिफिट हो रहा है दूसरा अनअफेक्टेड रह रहा है तो वो किस टाइप का रिलेशनशिप में आता है, कमेंसलिज्म, प्रोटो कॉर्पोरेशन, प्रीडेशन या अमेंसलिज्म। तो ये यहाँ पे एक चार्ट है, ये आपको सभी के लिए काम देगा, जितने टाइप के रिलेशनशिप हैं सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। ये इंटरेक्शन हुआ और ये स्पीसीज ए है स्पीसीज बी का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, जब स्पीसीज ए और बी दोनों आप बेनिफिटेड होते हैं तो वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। अगर स्पीसीज ए बेनिफिटेड होता है जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड वाइल अदर अनअफेक्टेड, तो यहाँ पे एक को बेनिफिट मिल रहा है, स्पीसीज ए को बेनिफिट मिल रहा है पर स्पीसीज बी यहाँ पे अनअफेक्टेड है, तो जहाँ पे जीरो लिखा है दैट मीन्स अनअफेक्टेड। तो ये रिलेशनशिप आपका कमेंसलिज्म कहलाता है और ऑप्शन से हम फिर ए चूज करेंगे। वहीं अगर और हम देखते हैं ऐसा रिलेशनशिप आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा, म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन को आपको सेम देखने को मिलता है जहाँ पे दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होते हैं। दोनों रिलेशनशिप में ये अंतर है, म्यूचुअलिज्म में हमेशा स्पीसीज ए और बी साथ रहेंगे लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन में ऐसा नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। पर जब भी स्पीसीज ए और बी एनकाउंटर करेंगे एक दूसरे को तो वो जो है एक दूसरे को फायदा ही पहुंचाएंगे, इसलिए दोनों में आपको प्लस प्लस देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अमेंसलिज्म में आप देखेंगे एक को एक हार्मफुल एक स्पीसीज वो होता है उस पर प्रभाव पड़ता है दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं पैरासिटिज्म में एक को फायदा मिलता है दूसरे को नुकसान होता है, प्रेडेशन में भी एक को फायदा दूसरे को नुकसान, और कैनिबलिज्म कुछ करके है उसमें भी ये सर। बाकी कंपटीशन में दोनों स्पीसीज क्या होते हैं, दोनों स्पीसीज के लिए रिलेशनशिप हार्मफुल होता है। तो ये था टेबल, सारे टाइप के 8 टाइप के आपके रिलेशनशिप है उसके लिए याद रखिएगा, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो ये आप वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, हम जो है रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का, BHU के साथ ही बहुत सारे जो CU सेट, DU और हैदराबाद यूनिवर्सिटी इन सब के भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी इस चैनल पे आपको मिलेंगे सॉल्व। तो देखते रहिए हमारा चैनल, अगर आप मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं मिलूंगा इस इकोलॉजी वाले पार्ट का 7th पार्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए आप वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।